अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 19, यूनिट नंबर 12, जिसका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स और उसका फर्दर टॉपिक्स अल्काइंस। अल्काइंस के हवाले से आपने पढ़ा कि अल्काइंस क्या होते हैं, यानी आपको पता है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है किसी भी दो कार्बन एटम्स के दरमियान में। इसके अलावा आपने इसकी प्रेपरेशन पढ़ी कि अल्काइंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आपने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि क्या है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्काइंस की। आज का आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, यानी अल्काइंस के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, कैसे रिएक्ट करता है अल्काइंस। अल्काइन जो है वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। रिएक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो डेफिनेटली ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेगा और अपने जो ये दो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा, यानी एडिशन होगी सब्सटेंसेस के एटम्स की। तो आपको पता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और बाकी दो बॉन्ड्स जो हैं वो वीक बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से दो बॉन्ड्स जो हैं वो वन बाय वन ब्रेक डाउन होंगे और जिसके नतीजे में दूसरे सब्सटेंसेस के एटम्स जो हैं वो ऐड होंगे। तो यानी एडिशन हो रही है। इन अल्काइंस के भी एडिशन रिएक्शंस तकरीबन मिलते जुलते हैं अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस की तरह। तो हम बात कर रहे हैं कि अल्काइंस जो हैं वो रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है जो वन बाय वन ब्रेक डाउन होकर दूसरे सब्सटेंसेस के एटम्स को अपने अंदर ऐड कर लेता है। आपकी बुक में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन का मतलब ये कि अल्काइंस में हैलोजन का ऐड होना। हैलोजन आपको पता है कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस तरह से। तो अगर यानी क्लोरीन जो है वो ऐड होगा अल्काइंस में तो क्या बनेगा, टेट्रा क्लोरो इथेन बनेगा। इसी तरह से अगर ब्रोमीन ऐड होगा तो क्या बनेगा, टेट्रा ब्रोमो इथेन बनेगा। यानी अगर एस्टलीन में अगर क्लोरीन ऐड होगा तो टेट्रा क्लोरो इथेन बनेगा और अगर ब्रोमीन ऐड होगा तो टेट्रा ब्रोमो इथेन बनेगा। यानी अगर एस्टलीन में ब्रोमीन वाटर जो है यानी ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाए तो क्या चीज़ बनेगी कि ब्रोमीन वाटर का आपको पता है कि कलर जो है वो रेड ब्राउन कलर होता है। अगर एस्टलीन में ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा कि ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि टेट्रा ब्रोमो इथेन जो है वो बन गया है। आपके सामने यहाँ पर रिएक्शन शो करवाया गया है जिसमें आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले है कि ये आपके पास एस्टलीन है जिसका दूसरा नाम जो है वो आपको आइडिया है कि इथाइन है। इथाइन में जब ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाता है, ब्रोमीन को ऐड किया जाता है यानी एडिशन होती है, तो आपको आइडिया है कि इस तरह से जब एडिशन होगी तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है एक वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ और इसी तरह से दूसरा ब्रोमीन एटम जो है वो ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ। यानी जब ये ब्रेक डाउन हुआ बॉन्ड तो इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ गया और इस कार्बन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में ख़त्म हो गई और जिसके नतीजे में इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और फिर ये कार्बन क्या करता है, ब्रोमीन के साथ जो है वो अपना बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोमीन के फोर एटम्स हैं तो अब दूसरा जो है वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और जिसके नतीजे में अब इसके पास फिर मज़ीद जो है वो इन दोनों कार्बन एटम्स के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। तो दूसरा जो ब्रोमीन एटम है वो इस कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी इन कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान में और इसी तरह से जो फोर्थ वन है वो भी ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन जो है वो कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा और सिंगल बॉन्ड बना लेगा, जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा टेट्रा ब्रोमो इथेन। टेट्रा का मतलब कि फोर ब्रोमीन जो है वो मौजूद होंगे इसमें और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ये इथेन होगा। तो इस प्रोडक्ट का क्या नाम आएगा, इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, टेट्रा ब्रोमो इथेन। इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है अल्काइंस की अनसेचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए।
सेकेंड जो है वो ऑक्सीडेशन विद KMnO4 है, केमिकल रिएक्शन जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगी किसकी, ऑक्सीडेशन होगी अल्काइन की जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर कौन सा अल्काइन यूज़ हुआ है, इथाइन यूज़ हुआ है। किसके साथ कौन करेगा ऑक्सीडेशन, वो करेगा पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। आपको आपने अल्कीन्स के हवाले से भी जब पढ़ा था ऑक्सीडेशन तो आपने ये पढ़ा था कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है यानी कि KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, आपने वो भी आप डिटेल से पढ़ा था कि ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसको कर देगा, इथाइन को कर देगा। यहाँ पर आपके सामने जो है वो एक रिएक्शन शो हो रहा है जिसमें इथाइन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा KMnO4 के ज़रिए, जिसके नतीजे में इस इथाइन में क्या चीज़ ऐड होगी, 4 जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड होंगे। आपके सामने रिएक्शन में शो करवाया गया है कि इथाइन है, पोटेशियम परमैंगनेट है और क्या चीज़ मौजूद है, वाटर मौजूद है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर इथाइन का जो है वो एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, जिसके नतीजे में इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल और इस कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोक्सिल जो है वो ग्रुप ऐड होगा। इसी तरह से दूसरा बॉन्ड टूटने पर क्या चीज़ ऐड होगी कि मजीद जो है वो OH जो है वो ऐड होगा। इसी तरह से इसके साथ भी, इस कार्बन के साथ भी मजीद जो है वो OH ऐड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें 4 हाइड्रोक्सिल 1, 2, 3, 4 यानी 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड हो गए हैं। और इसके साथ साथ क्या चीज़ बनेगी, मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या चीज़ बनेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अगर इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से वाटर रिमूव कर दिया जाए, वाटर रिमूव कर दिया जाएगा तो वो कैसे रिमूव किया जाएगा, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एक ये, और इसी तरह से या आप इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए बजाय आप ये करें, एक जो है वो हाइड्रोजन ये और एक OH ये, तो ये क्या बन गया, ये वाटर बन गया। इसी तरह से जो है वो एक हाइड्रोजन ये और दूसरा ये OH, तो ये क्या बन गया, ये वाटर। तो अगर ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव करवा दिए जाएँ, एलिमिनेट करवा दिए जाएँ, तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है क्या करेगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन मौजूद है, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो ख़त्म हो गया, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो गए, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हुआ है। तो इस ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये कंपाउंड का नाम होगा ग्लायोक्सल। क्या होगा, ग्लायोक्सल। अगर इस ग्लायोक्सल में जो है वो यानी ऑक्सीडाइज कर दें इस ग्लायोक्सल को, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये जो ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन ऐड करने से, ये ऑक्सीडाइज होने से एक और जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। यानी जब ऑक्सीडेशन करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, तो क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो अगर हम उसमें से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दें तो एक प्रोडक्ट ग्लायोक्सिल बनेगा, और अगर ग्लायोक्सिल में मज़ीद उसको ऑक्सीडाइज कर दें तो ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो बनेगा। जी नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक वो यूजेज ऑफ एसिटिलीन है, एसिटिलीन का यूज़। अगर एसिटिलीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ये जो फ्लेम है यानी इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक रिएक्शन बड़ा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसके अंदर बड़ी जो है वो हीट रिलीज़ होती है। तो जब हीट रिलीज़ होती है तो उस हीट का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हुई है तो मेटल्स जो है यानी ये इनको क्या कर देता है, ये हीट जो है वो उसको मेल्ट कर देती है, और फिर ये जो है वो आपको आइडिया है कि वेल्डिंग पर्पसेस जो है वो क्या, कि वेल्डिंग के लिए फिर इसका इस्तेमाल होता है इस हीट का। सेकेंड यूज़ जो है वो ये है कि एसिटिलीन जो है दूसरे केमिकल्स को भी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मिसाल के तौर पे अल्कोहल्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, एसिड एल्डिहाइड को भी और कई एसिड्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए भी एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इसका यूज़ ये है कि जिस तरह से अल्कीन्स का यूज़ आपने पढ़ा था कि वहाँ पर भी
अल्कीन्स भी यूज़ की जाती है फ्रूट्स को पकाने के लिए, यानी कि उसमें आप मैंगोज़ देख सकते हैं कि मैंगोज़ जो है वो बनानास, उनको आर्टिफिशली जो है वो राइप करने के लिए, पकाने के लिए, इन फ्रूट्स को पकाने के लिए इस एस्टेलीन का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ जो है वो ये है कि ये पॉलीमर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है एस्टेलीन। पॉलीमर प्रोडक्ट्स जो है वो यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बना दें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि प्रोटीन है, प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड है, तो जब बहुत सारे स्मॉल अमाइनो एसिड आपस में जो है वो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इसी तरह से ये भी पॉलीमर, मतलब ये कि पॉलीमर प्रोडक्ट्स जो हैं यानी लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है, प्लास्टिक का ये पॉलीमर है, और इसको जो पाइप है, प्लास्टिक पाइप है, उनको बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जो पॉलीविनाइल एसीटेट है और सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ ये कि जो खुद से जो है वो यानी तैयार किया गया रबड़, जिस तरह न्योप्रीन जो है वो उसका न्योप्रीन जो है वो भी एक प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर है। पॉलीविनाइल एसीटेट जो है वो आपको आइडिया है कि ये जो पेट्स जो हैं वो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो एडहेसिव्स हैं गम्स वगैरह उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा न्यूप्रीन जो है वो जिस तरह मेडिकल स्पोर्ट्स जो है और या फिर जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि रिस्ट पे अमूमन कोई रबड़ जो है वो यूज़ कर लिया जाता है, और इसी तरह से एंकल जो है उसके लिए भी और नी के लिए स्पोर्ट के लिए भी वो जो इस्तेमाल होता है वो न्यूप्रीन मटेरियल है। इसी तरह से जो लास्ट है वो ये कि ये एस्टेलीन पोलीमराइज़ होकर क्या बनाती है, बेंजीन बनाती है। और बेंजीन आपको आइडिया है कि ये भी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। स्टेबलेस्ट, अल्लाह हाफिज़।